ये किसी व्यक्ति के बारे में हम नहीं बोल रहे, और भारतीय जनता पक्ष ने ये दिल पर नहीं लेना चाहिए, बीजेपी ने। पनौती शब्द पूरे विश्व में और देश में इस्तेमाल किया जाता है, और खास करके जो अपने आप को हिंदुत्ववादी समझते हैं उनको तो पनौती शब्द का इतना नफरत नहीं होनी चाहिए। अपने हिंदुत्व के कोष में पनौती शब्दों का बहुत महत्व है, आपको मालूम नहीं। आप नेपाल में जाइए, आप बनारस में जाइए, आप समझ लीजिए पनौती का अर्थ क्या है, और बाद में ये सब FIR वगैरह लॉन्च करने का काम कर लीजिए। इस देश को 2014 से पनौती लगी है, वो 2024 में पनौती देखिए 2014 से इस देश को पनौती की पीड़ा शुरू हो गई है। ये किसी व्यक्ति के बारे में हम नहीं बोल रहे, और भारतीय जनता पक्ष ने ये दिल पर नहीं लेना चाहिए, बीजेपी ने। पनौती शब्द पूरे विश्व में और देश में इस्तेमाल किया जाता है, और खास करके जो अपने आप को हिंदुत्ववादी समझते हैं उनको तो पनौती शब्द का इतना नफरत नहीं होनी चाहिए। अपने हिंदुत्व के कोष में पनौती शब्दों का बहुत महत्व है, आपको मालूम नहीं। आप नेपाल में जाइए, आप बनारस में जाइए, आप समझ लीजिए पनौती का अर्थ क्या है, और बाद में ये सब FIR वगैरह लॉन्च करने का काम कर लीजिए। इस देश को 2014 से पनौती लगी है, वो 2024 में पनौती खत्म हो जाएगी। कभी 7.5 लगती है, उसके बाद पनौती लगती है, फिर छोटी पनौती लगती है, ये सब हिंदुत्व की संकल्पना है। ये हमारे हिंदुत्ववादी जो लोग बैठे हैं, अपने आप को हिंदुत्ववादी मानते हैं, उसने पनौती का एक विश्लेषण और अभ्यास करना चाहिए। लेकिन मैंने नहीं सुना कि किसी जो 5 राज्यों में प्रचार चल रहा है प्रधानमंत्री की लीडरशिप में, गृह मंत्री या हमारे रक्षा मंत्री, किसी ने संवेदना जाहिर की है। आपकी क्या भूमिका थी? आप 5 राज्यों के प्रचार सभा में आज भी कांग्रेस मुक्त भारत की घोषणा करते हो, महाराष्ट्र में शिवसेना मुक्त महाराष्ट्र बनाना चाहते हो, लेकिन कश्मीर में आतंकवाद मुक्त कश्मीर आप कब बनाओगे? आतंकवाद मुक्ति ये कश्मीर की सबसे ज्यादा जरूरत है ना। आप कांग्रेस मुक्त करेंगे किसी राज्यों में, शिवसेना मुक्त करेंगे। देखिए कश्मीरी पंडित घर वापसी क्या हो गया, आज भी वो दहशत की छाया में जी रहे हैं, अपने घर नहीं गए वापस। लेकिन उस बारे में ना बीजेपी बोल रही है ना मोदी जी बोल रहे हैं। एक दिन आप हमारे जवानों की हत्याएं वहां हो रही, पुलवामा का जो 40 जवान उनको जो हत्या हो गई, शहीद हो गए, उस बारे में आज भी संशय है। उस बारे में बोल नहीं सकता कि क्या हो गया, क्या हुआ है। तो ऐसे हमारे पनौती सरकारें देश में चल रही है। थोड़ा बयान आया कि अदृश्य ताकत जो दिल्ली में बैठी है वो महाराष्ट्र को कमजोर करना चाहते हैं भाजपा। सुप्रिया सुले जी हो, माननीय शरद पवार साहब हो, माननीय उद्धव ठाकरे साहब हो, हम सभी का यही कहना है कि दिल्ली में जो बैठे हैं वो महाराष्ट्र का महत्व, छत्रपति शिवाजी महाराज का महत्व, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का महत्व, और एक राज्य, बड़ा राज्य महाराष्ट्र है, उनका महत्व कम करना चाहते, कमजोर करना चाहते, ये सच है। चलिए अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।